हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड है कि हरियाणा का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसा रहा और हरियाणा के एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी और आप उसको जल्द से जल्द देख पाओगे। आपका पहला क्वेश्चन बनता है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, तो इसमें आंसर आएगा टोटल हरियाणा ने 22 पदक जीते। इसमें से 9 तो गोल्ड मेडल जीते, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पूरे भारत द्वारा जीते गए मेडल के कितने प्रतिशत मेडल केवल हरियाणा ने जीते, तो इसमें आंसर आएगा लगभग 33%। इंडिया ने टोटल 66 यानी 66 मेडल जीते और हरियाणा ने 22 मेडल जीते। इस हिसाब से 33.33 समथिंग मेडल्स हरियाणा ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए हैं उनमें हरियाणा के 37 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, वे कब हुए हैं, तो इसमें आंसर आएगा 4 से 15 अप्रैल के बीच में ये राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई सिविल के एग्जाम में पूछा गया था। आपका जो भी एग्जाम राष्ट्रमंडल खेलों के बाद हुआ है उसमें लगभग हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तो आपका आंसर आएगा हरियाणा के 37 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 से 15 अप्रैल तक हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, गोल्ड कोस्ट कहां पर स्थित है, तो इसमें आंसर आएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कितने पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के 20 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टोटल हरियाणा के 37 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आपको तीनों डिजिट याद रखनी है, टोटल 37 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, इसमें से 20 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और महिला कितनी आ गई, 17 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेलकूद मंत्री कौन है, तो इसमें आंसर आएगा वर्तमान में खेलकूद मंत्री है अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कुल 22 मेडल में से कितने मेडल पुरुष खिलाड़ियों ने जीते, तो इसमें आंसर आएगा 15 मेडल पुरुष खिलाड़ियों ने जीते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कुल 22 मेडल में से कितने मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते, तो इसमें आंसर आएगा 7 मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो इसमें आंसर आएगा सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला है झज्जर की 16 वर्षीय शूटर मनु बाकर, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यह गोल्ड मेडल जीता। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने मेडल जीता, तो आपका आंसर रहेगा 10 मीटर और ये झज्जर की है, 16 वर्षीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन है, अगर सबसे कम उम्र में महिला पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा मनु बाकर, और सबसे कम उम्र में भारतीय पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अनीस बनवाला, और ये इन्होंने 15 साल की उम्र में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल जीता है, और ये मूल रूप से सोनीपत के कांसडी गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल ये करनाल में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ने किस गेम में कितने मेडल जीते, तो सबसे पहले आता है हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में जीते और ये टोटल 9 मेडल जीते,
जिसमें से 3 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा मेडल किस गेम में जीते, तो कुश्ती में जीते। 3 गोल्ड सबसे पहले जीते बजरंग पुनिया ने, ये झज्जर के रहने वाले हैं। सेकंड गोल्ड मेडल कुश्ती में जीता सुमित ने, ये भी झज्जर के रहने वाले हैं। और थर्ड गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने, ये चरखी दादरी की रहने वाली है। नेक्स्ट 3 सिल्वर जीते हैं मौसम खत्री ने, ये सोनीपत के रहने वाले हैं। बबीता फोगाट ने, ये चरखी दादरी की रहने वाली है। और पूजा डांडा ने, ये हिसार की रहने वाली है। नेक्स्ट है 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें सबसे पहले है साक्षी मलिक, ये रोहतक की रहने वाली है। किरण, ये हिसार की रहने वाली है। और सोमवीर, ये रोहतक के रहने वाले हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें आपको ये सभी नाम भी याद रखने हैं कि ये नाम किस गेम से संबंधित है। जैसे पूजा डांडा किस गेम से संबंधित है, आपको 4 गेम्स का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है पूजा डांडा कुश्ती से संबंधित है। ऐसे ही आपको ये अलग अलग नाम याद रखने हैं, और इनके जो है ये किस जिले से संबंधित है, ये चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी। और इन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है हरियाणा ने बॉक्सिंग में कितने मेडल जीते। तो हरियाणा ने बॉक्सिंग में 6 मेडल जीते, और जिनमें से 2 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। गोल्ड गौरव सोलंकी और विकास किशन ने जीता है। गौरव सोलंकी फरीदाबाद के रहने वाले हैं और विकास किशन भिवानी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मनीष कौशिक और अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है। मनीष कौशिक रोहतक के रहने वाले हैं और अमित पंघाल भी रोहतक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मनोज कुमार और नमन तंवर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनोज कुमार कैथल के रहने वाले हैं, नमन तंवर भिवानी के रहने वाले हैं। आपको ये सभी नाम याद रखने हैं कि ये सभी बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर और किसने ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हरियाणा ने शूटिंग में टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड में एक मनु भाकर ने, जो झज्जर की रहने वाली है, इसका क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया। नेक्स्ट है संजीव राजपूत, ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है अनीस बनवाला, ये करनाल के रहने वाले हैं और मूल रूप से सोनीपत के हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये इन्होंने जीता है अंकुर मित्तल ने, ये पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा ने एथलीट्स में टोटल कितने मेडल जीते। तो एथलीट्स में टोटल 2 मेडल जीते। सबसे पहले आता है गोल्ड मेडल, ये नीरज चोपड़ा ने जीता, इन्होंने ये भाला फेंक में जीता और ये पानीपत के रहने वाले हैं। सेकंड आता है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये सीमा अंतिल या सीमा पुनिया ने जीता, ये सोनीपत की रहने वाली है और इन्होंने ये मेडल डिस्कस थ्रो में जीता। नेक्स्ट आता है वेटलिफ्टिंग में, वेटलिफ्टिंग में हरियाणा ने 1 मेडल जीता है और वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये मेडल जीता है दीपक लाठर ने। दीपक लाठर जींद के रहने वाले हैं और दीपक लाठर राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले सबसे युवा वेटलिफ्टर बन गए हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो इसमें आंसर आएगा शूटिंग में। शूटिंग में भारत ने टोटल 16 मेडल्स जीते, और जिनमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये क्वेश्चन इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो आपका आंसर आएगा रेसलिंग में, यानी कुश्ती में। अगर आपका इंडिया में यानी भारत में सबसे ज्यादा मेडल किस गेम में जीते, तो आपका आंसर आएगा शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें आपके सबसे पहले आता है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उन्हें 1.5 करोड़ रुपए और 1 क्लास की नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है जिन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है, उन्हें 75 लाख रुपए और क्लास बी की नौकरी दी जाएगी। और नेक्स्ट आता है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, उन्हें 50 लाख रुपए और क्लास सी की नौकरी दी जाएगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना है
तो हमें तीन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन आता है अमित पंगाल किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूजा डांडा हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स में संजीव राजपूत ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।